उत्तर प्रदेश धोबी कल्याण समिति का प्रांतीय प्रतिनिधि सम्मेलन रविवार को सुमेर सागर स्थित रजक पंचायत भवन पर संपन्न हुआ। प्रांतीय प्रतिनिधि सम्मेलन की अध्यक्षता बांसगांव के पूर्व सांसद फिरंगी प्रसाद विशारद ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भैयालाल कन्होजिया ने कहा कि प्रतिनिधि सम्मेलन के एजेंडे पर आम सभा सहमत देती है और उसी रास्ते पर हम चलते हैं। सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों ने तय किया है कि लखनऊ के डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ राष्ट्रीय संत गाडगे जी की भव्य प्रतिमा लगाई जाए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी संत गाडगे को अपना सामाजिक गुरु मानते थे। लोगों को रोजगार मुहैया कराने की बात हो रही है, लेकिन हमारे समाज को बेरोजगार बनाया जा रहा है। सरकार से हमारी मांग है कि धोबी का पद बहाल किया जाए और सरकारी लॉन्ड्रियों का संचालन या टेंडर धोबी समाज की सहकारी समितियां गठित करके दिया जाए। इस अवसर पर विंद्रेश कन्होजिया, नंदलाल कन्होजिया, राजकुमार कन्होजिया, रमाशंकर, सत्य प्रकाश भारती सहित धोबी समाज के लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य अतिथि भैयालाल कन्होजिया ने कहा, उत्तर प्रदेश धोबी कल्याण समिति का प्रांतीय प्रतिनिधि सम्मेलन है, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारी तथा हर जनपद के चार चार प्रतिनिधि भाग लेते हैं। और इस प्रतिनिधि सम्मेलन का हमारा जो एजेंडा होता है, वही आम सभा उस पर सहमत व्यक्त करती है, उसी रास्ते पर हम चलते हैं। आज इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों ने यह तय किया है कि लखनऊ के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के साथ राष्ट्रीय संत संत गाडगे जी की भी भव्य प्रतिमा लगाई जाए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी हमारे संत गाडगे को अपना सामाजिक गुरु मानते थे। दूसरा जो है, विगत दिनों नोएडा में अकारण संत गाडगे मार्ग का शिलापट हटा दिया गया है, उस शिलापट को पूर्ववत करने की बात मांग हम लोग सरकार से कर रहे हैं, क्योंकि उससे समाज मरवाहत है और लोगों को रोजगार मुहैया कराने की बात हो रही है, लेकिन हमारे समाज को बेरोजगार बनाने का काम किया जा रहा है। पहले स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस में, पीएससी में, तमाम सरकारी विभागों में धोबी का पद आरक्षित था, उस धोबी पद को ही समाप्त कर दिया गया। सरकारी लांड्रियां स्थापित करके उसका ठीका दिया जा रहा है, यही हालत जो है रेलवे के कपड़े की धुलाई का है। तो हमारी मांग है सरकार से कि धोबी का पद बहाल किया जाए और सरकारी लांड्रियों का संचालन या टेंडर इसी समाज की सहकारी समितियां गठित करवा के उनको दिया जाए, ताकि इनकी बेरोजगारी की समस्या दूर हो सके। लांड्री उद्योग के लिए 10 लाख रुपए तक का अनुदान सहित ब्याज मुक्त ऋण की मांग हमने किया है,
जिसकी सीमा पहले 1,20,000 रुपया पूर्ववर्ती सरकारों में रही है। चौथा हमारी मांग है कि हम अनुसूचित जाति में हैं लेकिन तमाम सुविधाओं से हमारे लोग वंचित हैं, जैसे कृषि आवंटन हुआ, आवास आवंटन हुआ, उसके पट्टे नाम मात्र के हमारे समाज के लोगों को मिलते हैं। ये भेदभाव बंद किया जाए, इन सारे मुद्दों पर हम मंथन करेंगे और निर्णय लेने के बाद अपने लोगों को उस पर जागरूक करके पहले सरकार को मेमोरेंडम देने का काम करेंगे। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का, संघर्ष करने का, आंदोलन करने का अख्तियार है, फिर उस रास्ते पर हम जाने के लिए मजबूर होंगे। धन्यवाद।